पिछले क्लास में हमने क्या करा था, पिछले क्लास में हमने आपको मॉडुलस की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करा था, ठीक है। और आज की क्लास में हमने आपको बोला था कि हमने जो है आज के डेट में आर्गुमेंट के बारे में बात करनी है, ठीक है। आर्गुमेंट या इसको आप बोलते हो एम्पलीट्यूड बोलो आप, इसके बारे में हमने आज बात करनी है, ठीक है। तो देखिए अब ध्यान से एक चीज अपने पास नॉलेज होना चाहिए कि आर्गुमेंट की जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, आर्गुमेंट जो हमने पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, इसकी जो प्रॉपर्टीज हम लोग जो बात करेंगे, इसकी जितनी प्रॉपर्टीज एकदम सिमिलर है, टू कॉपी है आप बोल सकते हो, ठीक है। किसके सिमिलर है? तो लॉगरिदम के, सिमिलर टू लॉगरिदम। तो सबसे पहले आपको ये नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, इसकी जो जितनी भी प्रॉपर्टीज है सारी जो प्रॉपर्टीज है टू कॉपी है। किसकी कॉपी है? लॉगरिदम की। तो अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टीज आती हैं, अगर आपने जितने भी लॉगरिदम आपने पढ़ा हुआ है और लॉग की अगर आपको प्रॉपर्टीज आती हैं तो आपको आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज भी आती है, ठीक है। और कुछ नहीं है, सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। अच्छा, करना कुछ नहीं है, जहां पे लॉग है वहां पे आप आर्गुमेंट कर दो, ठीक है। तो अगर आपने इसकी प्रॉपर्टी का नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। देखिए लॉगरिदम, लॉगरिदम क्या होता है, इसको अगर आपको प्रॉब्लम है तो हम इसके लिए अलग से हम लोग एक इस पे एक अलग से वीडियो कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, आज के क्लास में दो बातों पे डिस्कस करेंगे, दो बातों पे बात करेंगे, ठीक है। एक हम लोग बात करने वाले लॉगरिदम फॉर्म ऑफ जेड, लॉगरिदम फॉर्म ऑफ जेड। देखिए जेड यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, जेड का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, आपको हम बहुत सारे फॉर्म्स आपको हमने बता दिए ऑलरेडी, ठीक है। कौन कौन से फॉर्म्स आपको बताए हमने तो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले हमने आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। फिर आपको हमने बताया था इसका ज्योमेट्रिकल फॉर्म या इसको आप बोलो कार्टेशियन फॉर्म के बारे में हमने आपको बताया था, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म बोलो उसको, आप गॉसियन फॉर्म बोलो, कार्टेशियन से मच बेटर होगा कि इसको आप गॉसियन फॉर्म बोलो, ठीक है। गॉसियन फॉर्म के बारे में आपको हमने बताया था, ठीक है। फिर अभी हमने ये हाल में आपको यूलर फॉर्म के बारे में बताया था, आई थिंक पिछले क्लास में, उससे पिछले वाले क्लास में हमने आपको यूलर फॉर्म के बारे में बताया, एंड आपको इसका भी नॉलेज होगा, दैट इज पोलर फॉर्म के बारे में नॉलेज होगा, ठीक है। अब देखो यहां सारे जितने भी फॉर्म्स सब आपस में रिलेटेड है, ठीक है, सारे जितने भी फॉर्म्स सब आपस में रिलेटेड है, ठीक है। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आता है, अगर आपको गॉसियन फॉर्म नहीं आता तो आपको पोलर फॉर्म नहीं समझ आएगा, अगर आपको पोलर फॉर्म नहीं समझ में आएगा तो आपको यूलर फॉर्म नहीं समझ में आएगा। तो अगर आपको यूलर फॉर्म नहीं पता है देन आपको लॉगरिथम फॉर्म भी समझ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने जो है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो आप, ठीक है। जितने भी हमने वीडियोस करे हुए हैं सारे को क्या करना, अपने स्टेप बाय स्टेप जैसे पार्ट वन पार्ट वाइज हमने करा हुआ है वैसे आपने फॉलो करना है, ठीक है। चलिए हम लोग जानते हैं कि लॉगरिदम फॉर्म स्टार्ट करना हमने पढ़ना है, लेकिन लॉगरिदम फॉर्म से पहले हमने इसका यूलर फॉर्म पढ़ना है। तो आपको पता है कि यूलर फॉर्म क्या होता है, दैट इज जेड इक्वल टू मॉड जेड ई टू द पावर आई थीटा, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है। अच्छा अब देखो हमने यहाँ पे करा क्या है, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। दोनों तरफ हम लोग क्या ले लेते हैं, लॉग, यानी दोनों तरफ ऑन टेकिंग एल एन बोथ साइड, ठीक है, ऑन टेकिंग एल एन बोथ साइड। देखो एल एन और लॉग में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। अगर हम लोग बेस जो है, अगर हम लोग बेस जो है ई लेते हैं, ठीक है, अगर हम लोग क्या लेते हैं, बेस ई लेते हैं, देन हम लोग जो है एल एन का यूज, एल एन यूज करते हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं, बेस टेन लेते हैं, देन हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली लॉग यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, लॉग पे बहुत जल्द आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, स्पेशली लॉग पर होगा वो, तो फिलहाल आपने ध्यान देना, ठीक है। अच्छा एक चीज और, आपने कुछ प्रॉपर्टीज अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए लॉग के बारे में, ठीक है। वो क्या प्रॉपर्टीज, सिंपल सी लॉजिक है कि अगर आपका जो है, अब देखो ध्यान से, अगर एल एन लिखा हुआ है समझ लो कि बेस यहाँ पे ई छिपा हुआ है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट में है दो, आपके पास कोई भी दो फंक्शन अगर दोनों प्रोडक्ट में है तो सिंपली आपका वो क्या हो जाएगा, आपका प्लस में हो जाएगा, ठीक है। सिंपली क्या हो जाएगा, आपका प्लस में चला जाएगा, ठीक है। अगर डिविजन में है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल सी लॉजिक है, एल एन ऑफ ए माइनस एल एन ऑफ बी, सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। अगर पावर के फॉर्म पे है यानी ए टू द पावर एन के फॉर्म पे है तो एन आपका वो आगे आ जाएगा, यानी एन एन जो है एन टाइम्स एल एन ए, यानी लॉग सॉरी एल एन ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और आपको नॉलेज होना चाहिए, अगर दोनों सेम है, जिसकी जो बेस और नंबर दोनों अगर आपका सेम है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वन। तो आपको ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज है लॉग की, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और आपको थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि जो आर्गुमेंट की जो प्रॉपर्टीज है काफी सिमिलर है, नॉट काफी सिमिलर, कंप्लीटली सिमिलर लॉगरिदम के, ठीक है। तो आपको अगर लॉगरिदम की प्रॉपर्टीज आती है तो आप आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी जो है इजीली आप समझ सकते हो, इजीली आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, यूलर फॉर्म ले लिया, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से एक चीज और आप जान लो, यूलर फॉर्म को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं, ये थोड़ा नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है। जो यूलर फॉर्म होता है इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और आपको नॉलेज होना चाहिए, ये जो एक्सपोनेंशियल होता है ये रिवर्स होता है लॉगरिदम के, ठीक है। छोटी छोटी बातें जो आपको हम बताते चलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जेड इज इक्वल टू मॉड जेड ई टू द पावर आई थीटा है,
हमने क्या करा, दोनों तरफ लॉग ले लिया, ठीक है, सॉरी ln ले लिया, यानी बेस हम लोग एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान समझे, बोलते हैं लॉग ही ले बोलते हैं, ठीक है, अच्छा लॉग लोगे आप दोनों तरफ, ठीक है, या इधर इधर भी हमने लॉग ले लिया, इधर भी, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास जो है यहाँ पे दो फंक्शन है, तो पता है आपको कि दो फंक्शन है, अगर हम लॉग लेंगे तो प्रोडक्ट में चला जाएगा, यानी ये और ये दोनों प्रोडक्ट में चला गया, ठीक है, इसको तो हम लोग एज इट इज रख देंगे, ठीक है, लेकिन ये जो होता है ये वन हो जाता है, थोड़ी देर पहले आपको बताया हमने, ठीक है, अगर आपका दोनों सेम है, ठीक है, अगर ये दोनों सेम है तो आपका जो रिजल्ट है वो कितना आ जाता है, वन, यानी ये तो वन हो गया, तो बचा क्या आपके पास, आई थीटा, ठीक है, यानी इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं लॉग जेड, ठीक है, log z इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ log ऑफ मॉड z प्लस i थीटा। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि थीटा यहाँ पे क्या है, तो जो थीटा है यहाँ पे इसको बोलते हैं आर्गुमेंट, ठीक है, ठीक है, थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट, या इसको हम लोग बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है, थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, एम्पलीट्यूड। अच्छा कैसे कैलकुलेट करते, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन x, यानी इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, तो थीटा को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड से, या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्म मिला आपको, यानी लॉग ऑफ जेड टू द बेस ई इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड जेड टू द बेस ई प्लस आई आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो ये जो फॉर्म होता है आपको, इसी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगरिदम फॉर्म, ठीक है, इसी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगरिदम फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो हमने क्या करा, बहुत सारे फॉर्म्स क्लियर कर लिए हैं। अब देखो ध्यान से, हमने क्या करना, टारगेट क्या था हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ने की, ठीक है, और ये किसके सिमिलर है, लॉगरिथम के। चलो हम लोग कर लेते हैं पहले। अब देखो ध्यान से, हमारे पास दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड वन और जेड टू, हमारे पास क्या है, दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, आर्गुमेंट करो या लॉगरिथम करो क्या होगा, सिंपल जो प्रोडक्ट है आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आर्गुमेंट ऑफ जेड वन डॉट जेड टू इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू, ठीक है। हमको पता है कि लॉगरिथम में क्या होता है, डिवीजन का प्रॉपर्टी, अगर डिवीजन में होगा तो डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, ठीक है, डिवीजन जो है आपका वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डिफरेंस में। यहाँ भी वही लॉजिक है, आर्गुमेंट जो है, आर्गुमेंट यहाँ पे है, यानी आर्गुमेंट ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कॉपी है, किसका कॉपी है, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज की कॉपी है। अब देखो यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ जेड टू द पावर एन है, तो ये जो आपका एन है वो आगे आ जाएगा, यानी एन टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ जेड हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ध्यान से, आर्गुमेंट ऑफ जेड बार यानी आर्गुमेंट ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है। अब ये देखो ध्यान से, ठीक है, ये प्रॉपर्टी पे आप देखो ध्यान से, if argument of z1 upon z2 is theta, if argument of z1 upon z2 is theta, then argument of z1 upon z2 कितना हो जाएगा, 2n pi minus theta, ठीक है। और जो लास्ट प्रॉपर्टी को भी आप देख लो, argument of z bar, argument of z bar जो होता है वो किसके इक्वल होता है, negative of argument of z के इक्वल होता है। देखो हमने क्या करा, यहाँ पे रिपीट कर दिया शायद, ये जो 4 और 6 जो प्रॉपर्टी है हमसे यहाँ पे रिपीट हो गया, ठीक है। तो आपने क्या करना, बस ये जो पांच प्रॉपर्टीज हमने लिखा हुआ है, पांच प्रॉपर्टीज को आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो एक चीज और, हम लोग जितने प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखे हैं, हमने पांचों प्रॉपर्टीज को हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो इसको हम लोग यूलर फॉर्म के थ्रू, अगर आपको यूलर फॉर्म्स का नॉलेज है, ठीक है, तो आप यूलर फॉर्म के थ्रू इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो। जितनी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है, सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हो, वन बाई वन करके आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं, और अगले क्लास हम लोग क्या करेंगे, बात करने वाले हैं, ठीक है, नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है।